वहीं कोरोना नियमों का पालन ना करने पर कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, कोरोना नियमों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जो कोरोना नियमों का पालन ना करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व दिल्ली के डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान बता दें लक्ष्मी नगर मेन मार्केट को बंद कर दिया गया है। मंगल बाजार, विजय चौक, सुभाष चौक की मार्केट बंद कर दी गई है। साथ ही जगत राम पार्क, रामदास नगर की मार्केट को भी बंद कर दिया गया है। 5 जुलाई रात 10 बजे तक मार्केट को बंद किया गया है। बता दें कोविड नियमों का उल्लंघन किए जाने पर ये कड़ी कार्रवाई सामने आई है। बता दें लगातार सरकार की तरफ से ये हिदायत दी जा रही थी कि कोरोना के नियमों का उल्लंघन किए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और इसी बीच पुलिस की तरफ से ये कड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके चलते लक्ष्मी नगर की कई बड़ी मार्केटों को बंद कर दिया गया है। पूर्व दिल्ली के डीएम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान लक्ष्मी नगर मेन मार्केट को बंद कर दिया गया है। बता दें लक्ष्मी नगर का मेन बाजार बंद किया जा चुका है। मंगल बाजार, विजय चौक और सुभाष चौक बाजार को बंद कर दिया गया है। तो वहीं 5 जुलाई रात 10 बजे तक ये सभी बाजारों को बंद किया गया है। साथ ही जगत राम पार्क और रामदास पार्क पर भी कोविड नियमों का उल्लंघन किए जाने पर पार्क को बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कोरोना नियमों का पालन ना करने पर यह बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है की गई है। पूर्वी दिल्ली के डीएम ने ये बड़ी कार्रवाई की है और लक्ष्मी नगर के मेन बाजारों को बंद कर दिया गया है। और इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया है। आरक्षण पीड़ित ओबीसी एससी अभ्यर्थियों ने ये घेराव किया है। तो वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज कर दिया है। लाठी चार्ज में मची भगदड़ और कई अभ्यर्थी घायल हो गए हैं। कई अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। तो वहीं आपको बता दे चले कि बड़ी खबर इस वक्त की, जहां प्रदर्शनकारियों ने घेराव कर लिया है। इस दौरान लाठी चार्ज में भगदड़ मच गई और कई अभ्यर्थी घायल हो गए हैं। आरक्षण पीड़ित ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों में खासा आक्रोश अब देखने को मिल रहा है। बता दें कि भर्ती में 5,884 सीटें जिनके आरक्षण का घोटाले का मामला सामने आया है, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें 5,844 सीटों पर जो आरक्षण है उसके घोटाले का मामला सामने आया, जिसको लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से ये घेराव किया गया है। बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का ये विरोध प्रदर्शन है। इस दौरान उन्होंने घेराव किया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों पर लाठी चार्ज कर दिया है। तो वहीं कई अभ्यर्थियों को हिरासत में भी ले लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर सीटों के आरक्षण को लेकर जो घोटाला किया गया उस पर गुस्साए अभ्यर्थियों ने केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम के घर का घेराव कर लिया। तो वहीं इसके बाद पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में कई अभ्यर्थी घायल हो गए, तो वहीं कईयों को हिरासत में ले लिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक उच्च स्तरीय बैठक की गई है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल रहे। बता दें बैठक तकरीबन 2 घंटे चली है और इस बीच रक्षा क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान रक्षा क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा के दौरान आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार ये खबर सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों को आधुनिक उपकरण प्रदान करने और इस क्षेत्र में और अधिक युवाओं, स्टार्टअप और रणनीतिक समुदाय को जोड़ने समेत कई अन्य पहलुओं पर चर्चा की है। इस दौरान जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले की पुष्टि में भी ये बैठक काफी अहम मानी गई। इसी बीच सरकार ने हमले की जांच अब एनआईए को सौंप दी है।
वहीं दिल्ली और हरियाणा सरकार के वन विभाग की मदद से अब दिल्ली एनसीआर को पहला वन्य जीवी कॉरिडोर मिल सकेगा। इसके साथ ही आपको बता दें, इसके लिए अब दोनों विभाग के अधिकारी असोला भाटी सेंचुरी के पास एक व्यस्त सड़क पर कॉरिडोर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इससे सड़क पार करने वाले तेंदुए और अन्य वन्य जीवियों को सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम किया जा सकेगा। योजना से जुड़े एक अधिकारी ने यह बताया है कि इस तरह का यह अपने आप में पहला कॉरिडोर होगा जो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बनाया जाएगा। असोला भाटी सेंचुरी अरावली पहाड़ से जुड़े दक्षिणी दिल्ली की रीज इलाके के 32.71 वर्ग किलोमीटर और फरीदाबाद और गुरुग्राम के उत्तरी भाग को कवर करता है। इस बीच विभाग द्वारा बनाया जा रहा यह कॉरिडोर उत्तरी अरावली क्षेत्र का हिस्सा होगा जो कि राजस्थान के सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान पार्क से जुड़ा होगा।